गोहरी में जो सामूहिक हत्या हुआ है जी, तो संबंध है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि 3 साल से परिवार बहुत पीड़ित था, कई बार हत्यारों ने कई बार उन पे असलाहों से और सरिया से कई बार मारपीट की है, पुलिस प्रशासन में उन लोगों ने शिकायत की तो उनकी कोई सुनी नहीं गई, लेकिन 2021 में आखिर उनकी हत्या ही हो गई। दलित समाज से होने के नाते बहुत ही गरीब थे, असहाय थे, प्रशासन बिल्कुल उनकी नहीं सुनता था, और हम लोग ये मांग करते हैं कि निर्दोष व्यक्ति ना पकड़ा जाए और हत्यारों को पकड़ा जाए जो असली मुजरिम है, और न्याय होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल उनके घर का ताला तोड़ करके और 2 पुलिस वाले अंदर घुस गए, ऐसे ही घुस गए, बोल रहे हैं कि जांच करने आए हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। जांच करना था तो उनके घर वालों को पहले बताते कि मैं आया हूँ और बकायदा ताला खोला जाता, ना कि ताला तोड़ा जाता। कल उनके घर का ताला तोड़ कर अभी भी हत्यारे जो है पुलिस के कहीं ना कहीं संरक्षण में है, पुलिस पूरा संरक्षण दी हुई है और निर्दोष व्यक्ति को खाली फंसाने का काम कर रही है और असली मुजरिम को नहीं पकड़ा जा रहा है। जब तक असली मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा तब तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन का कहना था पवन, एक बार तो उन्होंने कहा पवन कुमार सरोज है वही असली मुजरिम है, उसके बाद जो है अपना कार रही है, तो पुलिस प्रशासन पर आप क्या कहना? नहीं, पुलिस प्रशासन की ही तो लीपापोती है, पवन को एक बार बता रहे हैं वो अनपढ़ है, अगर वो अनपढ़ था तो चैट कैसे करता था भाई? अब डीआईजी साहब ने कहा है कि पवन कुमार सरोज अनपढ़ है, वो तो निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष को छोड़ा जाए, जांच कर सीबीआई जांच हो और जांच करने के बाद असली मुजरिम को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे और अपना न्याय ले करके ही रहेंगे, और हम चाहते हैं कि रिटायर्ड जज हो वो फैसला करे, क्योंकि वही जांच कर सकता है, बाकी तो ये इस सरकार में हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। गीता पासी।